हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 5 वीडियो पहले बना चुके हैं। ये 6वीं वीडियो है अपनी। 6th वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, पहले उसको डिफाइन करेंगे। लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द वेरिएबल जेड, देन एफ डैश जेड इक्वल टू एफ डैश जेड। किस तरह से डिफाइन होता है डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी किस तरह से डिफाइन होती है, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एलोंग विद डेल जेड टेंस टू जीरो। एंड डेल जेड जिस पाथ से जीरो हो रहा है उससे अलग, उस पर उससे इंडिपेंडेंट हो और लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो वैल्यू आएगी वो एफ डैश यानी कि उसका डिफ्रेंसिएशन होगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इसको देखते लेट पी बी या फिक्स्ड पॉइंट, पी कोई एक पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट, एंड क्यू बी या नेबरहुड पॉइंट, क्यू जो है उसके कोई नेबरहुड में पॉइंट है, देन पॉइंट क्यू मे अप्रोच एनी स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, यानी क्यू जो है क्यू पे पॉइंट पी से जो ये कर्व है ये इस तरह से पहुंच सकती है, 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 किसी तरह से पहुंच सकती है फ्रेंड्स। बट जिस भी पाथ से पहुंचे उसमें हमारे पास जो लास्ट में जो वैल्यू आनी चाहिए वो उस पाथ से इंडिपेंडेंट आनी चाहिए। उस पाथ मतलब जो भी किसी पाथ से पहुंचे वैल्यू जो होगी वो सेम ही होगी, यानी पाथ चेंज करने पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, उसकी वैल्यू ये है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसिडर द फंक्शन एफ जेड बराबर 4x प्लस वाई प्लस आयोटा माइनस एक्स प्लस फोर वाई एंड डिस्कस डेल एफ अपॉन डेल जेड एंड सॉरी डी एफ अपॉन डी जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड हमें इसमें डिस्कस करना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड। हियर एफ जेड बराबर क्या दिया हुआ है, 4x प्लस वाई प्लस आयोटा माइनस एक्स प्लस फोर वाई, तो यू प्लस आयोटा वी वाली टर्म है। तो यहाँ पे यू बराबर क्या है हमारे पास, यू जो होता है वो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट क्या है 4x प्लस वाई, एंड वी जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है वो होता है माइनस एक्स प्लस फोर वाई। ये हो गया वी बराबर माइनस एक्स प्लस फोर वाई। तो एफ जेड प्लस डेल जेड क्या हो गया, 4x प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई, फोर यू, यू में हम देख रहे हैं तो यू में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जेड प्लस डेल जेड हुआ है तो ये हमारे पास यानी एक्स जेड प्लस डेल जेड, यानी तो ये टेंस टू हो गया एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली जेड प्लस डेल जेड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स एंड एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा और वाई की जगह वाई प्लस डेल वाई आ जाएगा। एक्स प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई माइनस आयोटा एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा फोर वाई प्लस डेल वाई, यहाँ आयोटा नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये हमारे पास आया है। अब हमें क्या करना है, इसमें से एफ जेड माइनस करना है। तो एफ जेड माइनस करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास जो बच के आएगा, एफ जेड क्या है हमारे पास, ये तो यहाँ से जैसे फोर एक्स यहाँ जाएगा, वाई जाएगा माइनस आयोटा एक्स जाएगा और फोर वाई जो जाएगा माइनस सॉरी फोर वाई जाएगा प्लस का ये माइनस इस तरह से ये। अब ये जो जाएगा उस ये हमारे पास जो टर्म है वो कट जाएंगे, सिर्फ डेल वाई टर्म बच जाएंगे। तो ये हो गया फोर डेल एक्स प्लस डेल वाई माइनस आयोटा डेल एक्स प्लस फोर आयोटा डेल वाई। तो यहाँ से एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, तो ये फोर डेल एक्स प्लस डेल वाई माइनस आयोटा डेल एक्स प्लस फोर आयोटा डेल वाई। तो डेल जेड का हमने डिवाइड किया दोनों तरफ तो ये हो गया हमारे पास डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अब फ्रेंड्स ये टर्म क्या होती है, वो ये होती है हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो ये डेल एफ अपॉन डेल जेड हो गई। तो ये हो गया फोर डेल एक्स प्लस डेल वाई माइनस आयोटा डेल एक्स प्लस फोर आयोटा डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। इसको हमने इक्वेशन वन पुट कर दिया। अब हम अलग अलग पाथ से देख रहे हैं, तो पहले देख रहे हैं अलोंग रियल पाथ, यानी रियल पाथ के अलोंग अगर जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। इफ क्यू इज टेकन एज द हॉरिजेंटल लाइन, इफ क्यू इज टेकन ऑन द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू पी एक्स वाई एंड क्यू थ्रू अप्रोच पी अलोंग द लाइन, वी सेल हैव डेल वाई इक्वल टू जीरो एंड डेल जेड बराबर डेल एक्स। यानी पहले हम इस पाथ से जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई, क्योंकि डेल वाई को हम जीरो पुट कर देंगे तो फोर डेल एक्स माइनस आयोटा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, डेल एक्स कट जाएगा तो फोर माइनस आयोटा। अगर हम अगर इमेजिनरी पार्ट से जाएं,
अलोंग इमेजिनरी एक्सिस जाएं, तो अलोंग इमेजिनरी एक्सिस यानी पहले तो हम यू जाएंगे फिर यू। तो उस कंडीशन में इफ क्यू इज टेकन अलोंग वर्टिकल लाइन, जो क्यू है वो वर्टिकल लाइन के थ्रू लिया गया है, पी एंड क्यू अप्रोच पी अलोंग दिस लाइन वी हैव जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें एक्स हमारे पास जीरो ले लिया जाएगा, तो आयोटा वाई हो गया, डेल जेड बराबर आयोटा डेल वाई, और डेल एक्स जो है वो जीरो हो गया। ये हमने वैल्यू पुट की इक्वेशन वन में, यानी कि इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो उस इक्वेशन में पुट करने पर डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर आ गया डेल वाई प्लस फोर आयोटा डेल वाई अपॉन आयोटा डेल वाई। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फोर माइनस आयोटा आ गया, ये हो गया फ्रेंड्स। अब से थर्ड हमने देखा एलोंग अ लाइन वाई बराबर एक्स, जो एक लाइन है हमारे पास वाई बराबर एक्स, यानी कि इस लाइन से सीधा वाई बराबर एक्स, इस लाइन से हमने इसको किया। इफ क्यू इज टेकन ऑन द लाइन, देन अब क्यू को उस लाइन पे लिया गया है, तो हमारे पास वाई बराबर एक्स, तो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वाई बराबर एक्स है तो वाई की जगह हमने एक्स पुट कर लिया, तो ये वन प्लस आयोटा एक्स हो गया, तो डेल जेड बराबर हो गया हमारे पास वन प्लस आयोटा डेल एक्स एंड डेल वाई बराबर डेल एक्स, ये हो गया हमारे पास फ्रेंड्स। ऑन पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन वी है, ये वैल्यू हमने इक्वेशन वन में पुट की, तो हमारे पास जो आएगा ये आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स, फोर डेल एक्स प्लस डेल एक्स माइनस आयोटा डेल एक्स प्लस फोर आयोटा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एक्स, फोर प्लस वन माइनस आयोटा प्लस फोर आयोटा वन प्लस आयोटा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो फोर माइनस आयोटा आ जाएगा। इन ऑल द थ्री डिफरेंट पाथ्स अप्रोच पी क्यू फ्रॉम पी वी गेट सेम वैल्यू ऑफ डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर फोर माइनस आयोटा, इन सच अ केस फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड इन अ गिवन रीजन। तो इस कंडीशन में हमारे पास सारी कंडीशन हम जो अप्लाई कर सकते थे हमने देखा, और अप्लाई करने पर हमने पाया कि उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा सेम आ रही है, यानी पाथ से इंडिपेंडेंट है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो ये फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो फोर माइनस आयोटा, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम एक और एग्जाम्पल इसका लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे।